नमस्कार दोस्तों, सुविद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से पूर्व भूतकाल से लगातार जारी थे। तो यहाँ पर जो संकेत देखने को मिलते हैं वो होते हैं ता रहा था, ती रही थी अथवा ते रहे थे। यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला लगाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, उसके बाद चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हेड का प्रयोग होगा, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और समय को दिखाने के लिए सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद जो भी समय दिया गया है हमें उसे लिखना होता है। तो ये जो कुछ बातें हैं वो हमने देखी। कि अब हमने पिछली क्लास में भी जब हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तब भी हमने देखा था फोर और सिंस का प्रयोग कैसे लगाया जाता है। तो समय दिखाने के लिए हम फोर या सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर निश्चित समय दिखाना है, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना है, उसके लिए हम सिंस लगाएंगे। जैसे सिंस ट्यूजडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock। लेकिन अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम बताना है, समय की अवधि बतानी है, उस परिस्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? फोर लगाएंगे। जैसे फोर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours, ओके, लॉन्ग टाइम, सम टाइम, 2 hours, 15 years। तो इस प्रकार के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि पास्ट परफेक्ट के रिपीटेड एक्शन को भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ओके, एन एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट कैन बी समटाइम्स बी एक्सप्रेस्ड एज अ कंटिन्यूअस एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, ही हैड ट्राइड 5 times टू कॉन्टैक्ट हर। ये किस में है एग्जाम्पल? ये पास्ट परफेक्ट में एक एग्जाम्पल दिया है। तो उस अगर ये चीज़ यहाँ पर रिपीटेड वाले एक्शन हो रहा है तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग किस रूप में भी कर सकते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, ही हैड ट्राइड मैनी टाइम्स टू गेट द जॉब देयर, और इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से हो सकता है? ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट द जॉब देयर। ओके, तो ये एक बात है कि हम कहाँ पर कैसी सिचुएशन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम अपने फॉर्मूले के आधार पर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, और जो भी दिया गया समय है। तो पहला सेंटेंस हिंदी में दिया गया है, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी। ओके, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, वो सिर्फ गाना गा रही थी, तो वो क्या हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, एक अवधि दी गई है कि वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी, तो क्या हो जाएगा? शी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 hours, शी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, तो सोमवार एक समय बताया गया है, वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। थर्ड है, वो दोनों भाई 2 घंटे से अपने खेत में पानी दे रहे थे, वो दो भाई, तो दोज टू ब्रदर्स हैड बीन वाटरिंग देयर फील्ड फॉर 2 hours। अगेन आई एम रिपीटिंग, Those two brothers had been watering their field for 2 hours. मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था। ओके, तो हम देख लेते हैं, I had been walking in the park since morning. वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी। So that girl had been living in this city since 1995. तो यहाँ पर हमने affirmative sentence देखे, और यहाँ पे आप इन्हें चेक कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार से फॉर्मूला का उपयोग करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाने हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको फॉर्मूला क्या लगेगा? सब्जेक्ट और हेड के साथ लगेगा नॉट, हैड नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस एंड फोर, और जो भी टाइम दिया गया है वो। पहला है, मोहन 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 hours।
सेकंड है, तुम्हारा भाई 2 घंटे से इस कमरे में नहीं सो रहा था। योर ब्रदर हैड नॉट बीन स्लीपिंग इन दिस रूम फॉर 2 आवर्स। प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे थे। द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर 1 आवर। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जो कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हेड आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और जो भी टाइम है। पहला है सेंटेंस, क्या तुम्हारी बहन सुबह से इस कमरे की सफाई कर रही थी? तो क्या आ जाएगा, हैड योर सिस्टर बीन क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। दूसरा है, क्या सूरज 1 घंटे से आकाश में चमक रहा था? हैड द सन बीन शाइनिंग इन द स्काई फॉर 1 आवर। क्या पुलिस 2 घंटे से चोर का पीछा कर रही थी? हैड द पुलिस बीन रनिंग आफ्टर द थीफ फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने देखे। अब हम क्वेश्चन वाले हिसाब से, अगर WH क्वेश्चन के हिसाब से अगर जो सेंटेंस बनाना है वो देखते हैं। तो फॉर्मूला लग जाएगा क्वेश्चन, उसके बाद प्लस हैड, देन सेम है सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। तुम पिछले हफ्ते से वहां क्या कर रहे थे? अब यहाँ पर आ गया है, वॉट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस लास्ट वीक। वॉट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस लास्ट वीक। उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था? हु हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 मिनट्स। रजिया को 6 महीने से इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था? तो क्या आ जाएगा, हु हैड बीन टीचिंग इंग्लिश टू रजिया फॉर 6 मंथ्स। ओके, तो ये हमने बात कर ली कि किस प्रकार से अलग अलग सेंटेंस को बनाया जाता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बात आपको यही याद रखनी है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए किया जाता है जो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हुए हों या किसी पीरियड ऑफ टाइम में लगातार जारी थे, उनके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।